सेक्टर्स के बात करूंगा, एक मेटल इंडेक्स जो कंप्लीटली ग्लोबली लिंक्ड है, 20-20% मेटल एक्चुअल कमोडिटी प्राइसेस टॉप से नीचे हैं और वहाँ एक्टिव शॉर्टिंग हो रही है। दूसरा आईटी, उसको भी एक ग्लोबल सेक्टर समझा जाता है, यूएस लिंक्ड है, यूएस में स्लो डाउन मतलब आईटी पे इम्पैक्ट। इन दोनों पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए अजय, आपने काफी जवाब अपने स्टेटमेंट में, एक सवाल में ही दे दिया कि यूएस में अगर स्लोडाउन का अंदेशा है, तो अगर स्लोडाउन की एक्सपेक्टेशन है तो उसका डायरेक्ट असर आईटी स्पेंडिंग पे पड़ेगा, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी और यूएस की कंपनीज कैसे काम करती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। सारे आईटी कंपनीज इंडिया के मैनेजमेंट्स कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, अगले 5 साल बहुत अच्छे रहेंगे एंड और बहुत सारी ऐसी चीजें। यूएस एक टिपिकल इकोनॉमी है जहाँ जैसे ही थोड़ा प्रेशर आता है तो उनके सीईओज को होता है कि प्रॉफिट मेंटेन करना है, प्रॉफिट कैसे मेंटेन किया जाए, हायरिंग जहाँ बहुत तेजी से चल रही थी वो सडनली फायरिंग में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे सडनली उनको खत्म कर दिया जाता है, और ये एक रिस्क बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए आज के दिन कि ये कंपनी के मैनेजमेंट बहुत बुलिश हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हाइपोथेटिकली अगले 2-3 क्वार्टर में कोई एक क्वार्टर ऐसा आता है जिसमें 1-2 क्वार्टर में यूएस में रिसेशन आता है, वहां रिसेशन का डेफिनेशन है 2 क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइनिंग क्वार्टरली ग्रोथ, तो ऐसे सिनारियों में क्या आईटी कंपनी जो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं वो मेंटेन कर पाएंगे, तो वो एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, ये सब कंपनीज एक आईटी इंडेक्सेस के पार्ट हैं, सब नैसडेक पे लिस्टेड हैं, तो अगर वहां पे मेल्टडाउन हो रहा है तो क्या हम बच सकते हैं उससे, तो ये सब इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा कि ये इंडियन आईटी कंपनी बहुत कैश जनरेटिंग भी हैं, जो पुरानी कंपनीज है, मैं नई न्यू जनरेशन कंपनीज की बात नहीं कर रहा, तो लेवल जरूर इनमें आ जाएगा अच्छे बाइंग का। जैसे इंफोसिस आज के दिन 1400 पे है, 1400 पे भी मुझे डिसेंट वैल्यू लिखती है इंफोसिस में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नैसडेक का मेल्टडाउन शायद खत्म नहीं हुआ, तो अगर हमें इससे भी 5-10% नीचे इंफोसिस मिल जाए तो तब लेने का मौका बन सकता है मेटल्स पे। लेकिन मैं काफी नेगेटिव रहूंगा क्योंकि कमोडिटीज पे, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस फेड क्या कह रहा है कि हम तब तक रेट हाइक करते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि वो तब तक एग्रेसिवली हाइक करेंगे जब तक ये सारे कमोडिटी प्राइसेस क्रैक होने शुरू नहीं हो जाते हैं, और जब ये क्रैक होने शुरू होंगे इनमें फॉल काफी जोरदार तरीके से आएगा, तो मुझे लगता है कि बेस्ट जो है कमोडिटीज का कम से कम इस साल के लिए हमारे पीछे है, तो कमोडिटी स्टॉक्स पे निवेशकों को हर बाउंस पे एग्जिट करना चाहिए, और जो यूजर इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा होगा, तो जो फॉल है उस पे फोकस, जैसे ऑटो हो गया सेक्टर, कैपिटल गुड्स हो गया, इन सब कंपनीज पे फोकस करना चाहिए फॉल में।